नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद पुलिस ने अंतर जिला चैन स्नैचिंग गिरोह का किया उद्भेदन, चार गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने बुधवार को शहर में लगातार चैन स्नैचिंग घटनाओं को बढ़ते देखकर औरंगाबाद SP के निर्देश पर एक SIT टीम का गठन किया। बुधवार को अपराह्न करीब 3 बजे औरंगाबाद SP अमरीश राहुल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद शहर में लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं घट रही थी। नगर थाना अंतर्गत 25 अगस्त 2024, 18 सितंबर 2024, 24 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 को और मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 जुलाई 2024, 11 सितंबर 2024 को चैन स्नैचिंग की घटनाएं घटी थी। इस दौरान लगभग 2 महीने में 6 चैन स्नैचिंग की घटना घटी थी। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन, तकनीकी विश्लेषण और सूचना संकलन के आधार पर गठित SI टीम के द्वारा इस कांड का उद्भेदन किया गया तथा अथक प्रयास से इसमें चोर गिरोह में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। रोहतास जिले के कोठी थाना क्षेत्र के नीलगांव निवासी मोहम्मद हारून रशीद के पुत्र मोहम्मद मामूल रशीद उर्फ सोनू, रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र के पाली रोड मोही मंजिल निवासी मोहम्मद अरशद अली के पुत्र मोहम्मद आरिफ को चैन स्नैचिंग की घटना कार्य करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तथा अरवल जिला के करती थाना क्षेत्र के 5 केसर गांव निवासी मुस्तफा अंसारी के पुत्र मोहम्मद अब्दुल मुतबील के द्वारा चोरी के सोना बेचने के आरोप में और रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र के पत्थर बाजार वार्ड नंबर 12 निवासी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र धीरज कुमार उर्फ टिंकू को चोरी का सोना खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 56.1 ग्राम सोना बरामद किया गया है। औरंगाबाद SP ने बताया कि इस गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से औरंगाबाद शहर में चैन छिनतई की घटनाओं में अब कमी आएगी। पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद शहर में लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं घट रही थी। इस संबंध में आगे विश्लेषण किया गया तो पता चला कि 7वें महीने में 1, 8वें महीने में 2 और 9वें महीने में 3, कुल 6 चैन का छिनतई हो गई थी। 4 टाउन थाने में हुआ था और 2 मुफस्सिल थाने में हुआ था। बेसिकली जो औरंगाबाद शहर का एरिया है उसी एरिया में चैन छिनतई की घटनाएं घट रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने SDPO सदर एक के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसके द्वारा CCTV फुटेज, आसूचना संकलन, टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा था। इस पूरी टीम के द्वारा यह निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये एक ही गिरोह है जो बार बार हर जगह चैन छिनतई कर रही है और इसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। हम CCTV फुटेज से हम लोग को इनका चेहरा प्राप्त हुआ था, चेहरे की पहचान कराई जानी थी। काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत के बाद एक अपराधी की पहचान हो पाई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके गिरफ्तारी करने पर यह बात सामने में आई कि वो और उसके एक मित्र के द्वारा औरंगाबाद शहर में चैन छिनतई की जा रही थी और अपने एक तीसरे मित्र के द्वारा इन चैन को बिछवाया जा रहा था। हमने उसके बयान के आधार पर बाकी दोनों लोगों को भी गिरफ्तार किया और उनका भी स्वीकारोक्ति बयान लिया। सभी ने अपने अपने बयान में यह स्वीकारा कि हम लोग चैन छिनतई कर रहे थे और डेहरी ओनसून में एक ज्वेलरी शॉप में हमने बेचा है। उस ज्वेलरी शॉप में पहुंचने पर वहां के जो मालिक है उनके द्वारा भी बात को स्वीकार किया गया कि 6 चैन उनके द्वारा इन लोगों के द्वारा बेचा गया है जो उन्होंने खरीदा है। और चूंकि उन्होंने चेन को गला दिया था इसलिए उसके जो गला हुआ सोना है वो गला हुआ सोना उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। कुल 6 चैन का गला हुआ सोना लगभग 56.1 ग्राम गला हुआ सोना हमने रिकवरी कर लिया है और इस संबंध में हम लोग 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इसमें जो घटना कारित करने में थे वो मोहम्मद मामूल रशीद और मोहम्मद अब्दुल मुतालिब, ये दोनों घटना कारित करने में थे और मोहम्मद आरिफ के द्वारा चैन बेचा गया। इसमें से कोई भी औरंगाबाद जिला का रहने वाला नहीं है। मोहम्मद मामूल रशीद जो है वो थाना डेहरी जिला रोहतास का रहने वाला है और मोहम्मद अब्दुल मुतालिब जो है वो जिला अरवल का रहने वाला है। इसमें से एक आदमी जो है यही जमौर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले पूर्व में पढ़ाई किया था और जो जिनके माध्यम से बेचा गया वो भी थाना जिला रोहतास के रहने वाले हैं और जो रिकवरी हुई है वो डेहरी थाना डेहरी जिला रोहतास की हुई है।